हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? चलिए आज बनाते हैं एक कटोरी चावल से ढेर सारे पापड़ और चरौरी। आप इसके लिए कोई सा भी चावल ले सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे। इसको धोकर अच्छे तरीके से 3-4 घंटे के लिए पानी में ही छोड़ दें। इसको पानी डाल के फूलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारी चावल फूल गई है। अब इसको पीस लेंगे मिक्सर में। देखिए पीस कर इस तरीके से पेस्ट बनाइए इसको। देखिए सारे चावल को पीस लिए हैं। बड़े से भगोने में ले लेंगे। इसमें 8 कटोरी पानी डालेंगे। देखिए इसका घोल इस तरीके से पतला होनी चाहिए। इसको गैस पे चढ़ा देंगे गरम होने के लिए। ये धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा। इसको चलाते ही रहे। नहीं चलाएंगे तो ये नीचे चिपकने लगती है। स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। देखिए थोड़ा गाढ़ा होने लगी है। इसी तरीके से चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड गाढ़ा हो गया है। इसको 1 मिनट के लिए और चलाएंगे और ठंडा होने के बाद इसमें अजवाइन अमंगरेला डाल देंगे। एक चम्मच अजवाइन अमंगरेला दोनों मिक्स करके आप जीरा भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, जो आपको इच्छा हो तिल भी डाल सकते हैं। फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए हाथ के मदद से इसको बना लेंगे। एक कटोरी चावल से देखिए ढेर सारे पापड़ भी हो जाएंगे और चरौरी भी हो जाएंगे। इसके साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से पापड़ बना लें। हाथ से भी इसको इस तरीके से फैला सकते हैं और चम्मच के मदद से भी फैला सकते हैं। देखिए हमारी सारी बन गई है। धूप बहुत तेज है, इसको सुबह ही कोशिश करें। देखिए सूख भी गई है। अब इसको निकाल लेंगे। पन्नी पे बनाने से जल्द निकल जाती है, निकलने में आसानी होती है। देखिए कितना सफ़ेद बना है। चावल को फुला के बनाने से सफ़ेद बनते हैं। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।
देखिए हमारी सूख गई है। देखिए पापड़ कितने पतले बने हैं। अब आपको तल के बताते हैं। देखिए कितना सफ़ेद हुआ है। देखिए चरौरी भी बहुत सफ़ेद सफ़ेद बनती है, इससे बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। बच्चे बूढ़े सब खा सकते हैं, जिनके दांत भी नहीं वो भी खा सकते हैं, कितना सॉफ्ट होते हैं। देखिए